देख रही है। आपसे अंशुल जी, मैं एक स्पेसिफिक बजट स्पेशल आपको बात करना चाहूँगा कि हमने देखा है कि अब तक बजट में से एग्रीकल्चर थीम को स्पेसिफिक बहुत सारे ऐसे सपोर्ट देखने को मिले कि पास्ट बजट में भी हम देखें तो कई सारे ऐसे स्टेप है जो बजट में हमने लेते हुए देखे हैं। तो लग रहा है कि अब जो बजट आने वाला है 23 जुलाई को, कि उसमें स्पेसिफिक एग्रीकल्चर थीम को यहाँ से बूस्ट करते हुए सरकार दिखे, और वो जो स्पेसिफिक जो यहाँ से उनको बूस्ट करते हुए दिखे, जैसे कौन से एजेंडा है कि जिस पे वो फोकस कर सकते हैं, और उसके लिए जो स्पेसिफिक स्टॉक है उसमें से कोई आपको पसंद हो कि लाइक मैं बात करूँ तो एक तो कोरोमंडल इंटरनेशनल है, पीआई इंडस्ट्रीज है, कावेरी सीड्स है, कैसे बहुत सारे स्टॉक है कि जो यहाँ से हमें बजिंग देखने को मिल सकता है, तो आपका व्यू किस तरह का है सर? देखिए, मुझे फर्टिलाइजर स्टॉक्स काफी बेहतरीन लग रहे हैं। लगभग सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स के चार्ट्स भी बहुत बेहतरीन है। स्ट्रक्चर ब्रेकआउट आया है, रीटेस्ट हुआ है और उसके बाद फ्रेश अप मूव देते हुए दिख रहे हैं। और बजट में आप देखिए दो चीजों पे काफी फोकस रहेगा। जो पहला स्पेसिफिकली आपने कहा कि फर्टिलाइजर या एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, दूसरा फोकस गवर्नमेंट का रहेगा मिडिल क्लास पे। तो ये दो सेगमेंट है जो हमको तेज लग रहे हैं, लेकिन इन पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर स्टॉक्स हमें काफी तेज लग रहे हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, NFL हमने अपने क्लाइंट्स को 140 रुपए में बाय रिकमेंड किया था, 161 रुपए में उसका टारगेट कंप्लीट हुआ है। दूसरा RCF भी हमने अपने क्लाइंट्स को 200 रुपए में रिकमेंड किया है, वहां से स्टॉक में हाई जो बना है वो 243 के आसपास का बना है। तो ये दोनों स्टॉक्स हमको काफी तेज लग रहे हैं, दोनों स्टॉक्स हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। इसके अलावा मद्रास फर्टिलाइजर एक तीसरा स्टॉक है जो हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। अगर डेरिवेटिव स्पेस में ट्रेड करते हैं तो चंबल फर्टिलाइजर भी हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजर हमारा सबसे पसंदीदा सेक्टर लग रहा है बजट के लिए। सेकंड बेस्ट जो हमको लग रहा है वो मिडिल क्लास के हिसाब से रियलिटी स्पेस में लग रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में थोड़ा सा गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसा देगा जो मिडिल क्लास को खुश करेगा। इसकी वजह से सनटेक रियलिटी में काफी तेजी डेवलप हुई है और आगे भी स्टॉक में काफी तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी। तो मद्रास फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर, RCF, ये तीन हमारे फर्टिलाइजर में टॉपिक हैं। सनटेक रियलिटी हमारा रियलिटी मिडिल क्लास सेगमेंट जिसको केटर करेगी गवर्नमेंट, उसमें से हमको सनटेक रियलिटी काफी अच्छा लग रहा है।